बताएंगे कि 50 वाट एलईडी बल्ब पे कैसे रिपेयर करना है, अगर इसका पूरा सामान खराब हो, इसकी पीसीबी प्लस एसपीएफ ड्राइवर जो इसमें अंदर है वो दोनों अगर पूरे खराब हो, तो फिर भी इसको कम पैसे में कैसे रिपेयर करना है। हम इस टॉनिक पे आपको आगे बताते हैं। इसको ये खोल लिया गया है और इसको चेक करना है, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, मतलब इसके ड्राइवर में भी प्रॉब्लम है। इसका पहले अपने को होल्डर खोलना है ऐसे पलार से। इसका होल्डर खुल गया है। इसका होल्डर खोलने के बाद देखो फ्रेंड, इसका होल्डर खुल गया है। अब इसकी पीसी को निकालनी है, तो इसकी पीसी को अपने को ऐसे थोड़ा लंबा वाला पेचकस लेके इसको ऐसे मार के निकालना है। देखो अब ये निकल गया है। इसका जो एसपीएफ ड्राइवर है पूरा ख़त्म है, इसके जो कंडेंसर है पूरे ख़त्म है, इसका छोटा कंडेंसर पूरा ख़त्म है, इसका पूरा सिस्टम ख़त्म है अंदर वाला, तो जला हुआ है बिल्कुल, जो कि अपने काम का नहीं है। अपने को इस पीसीबी को अलग करना है। इसकी पीसीबी भी पूरी तरीके से ख़त्म है। सबसे पहले अपने को ये ड्राइवर ख़त्म है, इसको ड्राइवर को निकाल के साइड में डालना है, क्योंकि ये अपने कुछ काम का नहीं है। फिर अपने को करना है ये वाला जो पीसीबी है इसका, इसको अपने को इसमें उल्टा लगाना है, ये ऐसे उल्टा लगाना है। इसको अच्छे तरीके से उल्टा लगा के पूरा हीटिंग उसमें अंदर होना चाहिए, उसको पूरा अच्छे से लगाना है अपने को। देखो फ्रेंड्स, ऐसे लगाना है पूरा, इसी को उल्टा लगाना है, जिससे कि अपने को कंप्लीट क्वालिटी इसमें मिल गई है। फिर अपने को इसमें लगाना है डीओबी, अल्फा डीओबी आती है 50 वाट, 50 वाट अल्फा डीओबी लगानी है। इसमें कुछ भी एसपीएफ ड्राइवर की अपने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अल्फा डीओबी इसमें लगानी है। पहले तो हम इसको लगाने के लिए इसमें छेद करेंगे, तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन हो तो ड्रिल मशीन से कर लेना, वरना आप देसी खीले से भी घर पे कर सकते हो, छोटी खील से। हमारे पास ड्रिल मशीन है, तो देखो आप, हम आपको बताते हैं। अपने को इसमें चारों छेद सही से बिठा देने हैं। देखो ये चारों से छेद अपन ने इसमें कर दिए हैं। अब छेद करने के बाद अपने को ये जो अपनी अल्फा डीओबी है 50 वाट, इसमें अपने को हीटिंग पेस्ट लगाना है ये वाला, जिससे कि इसकी लाइफ डबल हो जाएगी। अगर ये 1 साल चलेगा तो ये लगाने के बाद 2 साल चलेगा। इसमें पूरे में अपने को अच्छे से लगा देना है, इसको हीटिंग पेस्ट बोलते हैं, जिससे कि इसकी जो डीओबी है, इसकी जो ये ना प्लेट है ना, इसकी लाइफ डबल हो जाएगी और बहुत ही बेस्ट उजाला रहेगा। बहुत कम पैसे में आप करो सकोगे इसको घर पे। देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे पूरा पेस्ट कंप्लीट लगाना है, पूरा पेस्ट कंप्लीट लगाने के बाद इसको अपने को इसमें लगाना है। इसमें लगाने के बाद अपने को 4 स्क्रू निकालने हैं। इसमें स्क्रू लेना है, ये 4 स्क्रू अपन ने जो 4 छेद करे हैं ना, उसमें 4 स्क्रू लगाने हैं। और ये जो स्क्रू आप लगाओगे, इसका ध्यान रखना है, एक पूरे कसने हैं, जिससे कि
अपनी डियो भी जो है लॉन्ग लाइफ चल सके। अगर आप इनको थोड़ा ढीला ढीला अगर कस दोगे ना तो ये आपको प्रॉब्लम देंगे बाद में। फिर देखो फ्रेंड, ये चारों स्क्रू अपने को ऐसे फिटिंग बिठाना है, इसमें कंप्लीट है एक नंबर। इसको फिटिंग बिठाने के बाद अपने को लेना है दो वायर लेके, ये दो वायर ले लिए। इसमें अपने को कलर अपने को दो वायर लेना है। दो वायर लेने के बाद इसमें ऊपर से वायर डाल के आप नीचे निकाल दो। बंद कर दो, ये दो वायर लेना है और इसके एनएल वाले पे अपने को दोनों वायर लगाना है। दोनों वायर अच्छे से लगाना है जिससे कि अपने को आगे प्रॉब्लम ना आए कुछ भी। दो निशान इसमें दोनों पे अपने को वायर लगाना है। इस तरीके से दोनों वायर लगा देना है और ये इधर वाले हिस्से को अपने को होल्डर में फिटिंग करना है। अब होल्डर चलनी है, ये दोनों वायर ऐसे निकालना है ऊपर भी नीचे, तो अपने को शोल्ड करना है, ऊपर ऐसे निकाल लेना है, नीचे निकाल ऊपर बंद कर। ये दोनों वायर ऊपर निकालना है। ये दोनों वायर ऊपर निकालने के बाद में अपने को होल्डर का देखना है सिचुएशन। होल्डर में इसका जो पुराना मसाला है, मटेरियल जो है इसका जो लगा हुआ है शोल्डिंग वायर, इसको अपने को ऐसे निकालना है। इसको ऐसे करके और इसको ऐसे नीचे करना है तो ये निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद ये दोनों वायर है ना, बंद कर दे आपको इस होल्डर का सारा सामान, ये कचरा निकाल बंद कर दे। पूरा मसाला जो है हमने निकाल दिया है। मसाला निकालने के बाद ये दोनों वायर इसमें अंदर डालना है। ये इसमें डाल के इसको है ना, इसको फिर अपने को शोल्डिंग वायर इसको ऐसे जमीन पे ठहरा के इसको हमको दोनों ये बिंदिया बनानी है, दोनों आंखें इसकी। ये दोनों आंखें बनानी है। दोनों आंखें बनाने के बाद ये कि अपना पूरा एक नंबर नए जैसा हो गया बिल्कुल ऊपर से इसको, और ये वाली डियो भी इसमें अपन ने फिटिंग कर दी है बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसका उजाला आपको बताते हैं, एक नंबर उजाला हो गया, पूरा नया हो गया है। आप 1000 रुपये का बल्ब बहुत ही कम पैसे में तैयार कर सकते हो घर पे। देखो फ्रेंड्स, बहुत शानदार क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया है, पूरे रूम में एक नंबर उजाला कर दिया इसने, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आई है। मात्र आप बहुत ही कम पैसे में 100 रुपये में आप इसको घर पर रिपेयर कर सकते हो। इसका पूरा सामान ख़राब होने के बाद 100 रुपये में इसको घर पर रिपेयर कर सकते हो आप। अपने को एक DOB की ज़रूरत है बस। आप DOB किसी भी शॉप से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीद सकते हो, बहुत कम पैसे मिल जाएगी आपको वहाँ पे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।